एमएसपी गारंटी कानून लिए 13 फरवरी तो शुरू हुए किसान अंदोलन के 200 दिन पूरे होने से अज खनौरी एवं शंभू बॉर्डर से लखा किसानों ने इकट्ठे होकर अंदोलन मजबूत करने का प्रण लिया। अज महिला पहलवान विनेश फोगाट के खनौरी एवं शंभू बॉर्डर से किसानों द्वारा सम्मानित किया गया। किसान आगुओं ने कहा कि आने वाले समय अंदोलन तेज़ किया जाएगा। 1 सितंबर यूपी के संभल च 15 सितंबर जींद के उचाणा च एवं 22 सितंबर कुरुक्षेत्र के पिपल च किसान महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। मैं सरवण सिंह पंदेर शंभू मोर्चे से दिल्ली आंदोलन 2 जो कल हम लोग 200 दिन मना के हटे हैं, जिस तरह से उसमें इतनी बड़ी भागीदारी लोगों ने की, हम सभी जनता का धन्यवाद करते हैं। बड़ी जो देश की अखबारें हैं, एजेंसियां, उन्होंने एक सर्वे करवाया है जिसके ऊपर जो आंकड़े आए हैं भी देश के 87% लोग MSP लीगल गारंटी देने की बात से सहमत हुए हैं, तो ये बड़ी बात है। और सरकार को किसानों मजदूरों की मांगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का जो मत है वो सबके सामने आ रहा है। और जिस तरह से आप जानते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव सर्वेक्षण आ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी की पोजीशन सही नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका हम दावा नहीं करते, ये तो हरियाणा के वोटरों ने तय करना है। जैसे हम कहते थे कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही कार्य करता है, बेशक उन्होंने 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर उसकी डेट कर दी, पहले ये आया था उसी डेट पे होगी, इसके बावजूद पोजीशन भाजपा की सही नहीं है। और जो इस बॉर्डर के ऊपर सहूलतें मिलनी चाहिए उसके ऊपर भी पंजाब सरकार को ध्यान देने को बोल रहे हैं। जितने भी दिल्ली आंदोलन में 30 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को नौकरी मुआवजा पंजाब सरकार ने नहीं दिया है, इन बातों का भी ध्यान रखना जाना चाहिए। धन्यवाद।